अंशु गुप्ता एक सामाजिक कार्यकर्ता और व्यवसायी हैं। उनका जन्म 1970 में मेरठ में हुआ। अंशु ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैस कम्युनिकेशन से पत्रकारिता में पढ़ाई हासिल की और फिर उन्होंने कॉरपोरेट सेक्टर में कुछ साल काम किया। अंशु और उनकी पत्नी मीनाक्षी ने मिलकर गूंज एक सामाजिक व्यवसाय की स्थापना की। गूंज देश भर में काम करता है, लोगों को एक सामाजिक रूप से जोड़ता है और कपड़े की ज़रूरत को अन्य प्रकार से पूरा करता है, जिससे लोगों का अपना स्वाभिमान भी बढ़े। अंशु एक श्वाब फेलो हैं, अशोका फेलो हैं और 2015 में उन्हें रमन मैग्सेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया। नमस्कार अंशु जी, वेलकम अहिंसा कॉन्वर्सेशंस में, आपका स्वागत है। तो बचपन से आपकी सबसे पहली याद क्या होगी अहिंसा के असूल या उसके अनुभव के बारे में? तो मैं तो बहुत सारी जगह पे पला बड़ा हूँ, मतलब क्योंकि फादर हमारे ट्रांसफरेबल जॉब पे थे और एक ईमानदार गवर्नमेंट ऑफिसर थे, तो अब रहे नहीं, बहुत जल्दी चले गए। बट तो उसकी एक सजा जो है या इनाम होता है कि आपको रिमोट से रिमोट एरिया में डाला जाता। तो हम लोग एक्चुअली बनबसा चक्रौता जैसी जगह, जिसको जो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, उन जगह पे पले पड़े और ऊपर नीचे हुआ। मतलब आप एक जगह कहीं कॉन्वेंट स्कूल में जा रहे हो, फिर दूसरी जगह बिल्कुल हिंदी मीडियम में जा रहे हो, कहीं पर अच्छा फर्नीचर है, कहीं पर दरी है, तो आपने वो सब देखा। तो एक एक बहुत खूबसूरत चीज़ जो ज़िंदगी में रही वो ये रही कि जिसको आप अडेप्टेबिलिटी बोलते हैं, कि भाई आप किसी भी माहौल में पल सकते हैं, संभाल सकते हैं, आपको किसी से प्रॉब्लम नहीं है, आपके बाजू में कौन बैठा है ऐसे बच्चा, उसकी आप फिक्र नहीं कर रहे हैं। सुबह जो आपको दूध देने आ रहा है वही उन्हीं का बच्चा आपके साथ में बैठा है, और दूसरी तरफ हो सकता है किसी आर्मी ऑफिसर का बच्चा बैठा हो। तो वो सब चीज़ें हमें शुरू से रही नहीं, मतलब कभी उस बारे में कोई बातचीत ही नहीं थी। और टू बी ऑनेस्ट उस जमाने में मैं तो कहूँगा ये सब कुछ बहुत बढ़ा है। अभी हम ये सोचते हैं कि कास्ट कम्युनिटी वाले इश्यूज पहले बहुत थे और अब सॉल्व हो गए हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि और बढ़ता ही जा रहा है ये। उस समय कम से कम ये नहीं होता था कि स्कूल्स में बच्चों के बीच में भी ये बातें हो रही। उस समय ऐसा नहीं होता था कि आप ये कहो कि ये 12 कंबल बाढ़ के बाद SC ST बच्चों के लिए आए हैं या 12 बैग SC ST बच्चों के लिए आए, और आप भरी भीड़ में SC ST बच्चों के नाम पे 12 बच्चों को उठा देते हो। कम से कम हमारे समय में तो ये सब नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि यदि आप वायलेंस की बात करते हैं, कभी भी हिंसा की किसी भी तरह की बात करते हैं, तो उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो सबको अलग अलग बांट देना है, वो सबसे बड़ी हिंसा है। हिंसा सिर्फ ये नहीं है कि आपने किसी को मुक्का मार दिया, किसी को कुछ बोल दिया। हिंसा सिर्फ हाथों से नहीं है, हिंसा बातों से है, हिंसा कर्मों से है। तो मैंने तो बचपन में बहुत इस चीज को देखा कि एक अलग किस्म का भाईचारा था। हर हाल में डिवीजन होंगे, हम लोगों को शायद उस उम्र में इन सब चीज़ों का एहसास नहीं था, होंगे बट वो इतने इतने दिखते नहीं थे। इतने ऐसा नहीं था कि आप इस बच्चे के साथ खेल सकते और इसके साथ नहीं खेल सकते। हमारे माँ बाप ने हमें कभी रोका नहीं इस चीज के लिए। हमारे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक कि बचा हुआ खाना हम लोग अपनी हाउस हेल्प के लिए रख देते हो, और हमारी माँ का तो बहुत ही कंफर्म था कि जो भी हम खा सकते हैं वो हमारी हाउस हेल्प खाएगी, और यदि हमारे खाने लायक नहीं तो आप कम से कम। हमारे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि डाइनिंग टेबल से या जो भी, उस समय तो क्या डाइनिंग टेबल, अक्सर बेड पे अखबार बिछा के लोग खाया करते थे, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप वहां से ये उठ, मतलब हमने ये सुना हो कि कोई ये कह रहा है कि ये रख दो ये XYZ खा लेगी, वो नहीं था। तो मुझे लगता है कि उस तरीके से हम एक अलग माहौल में पले बढ़े, वो एक अलग वैल्यू सिस्टम था। तो मुझे तो लगता है कि पूरी जो जिंदगी का जो शुरुआती दौर रहा, जो हमारा वैल्यू सिस्टम था, जो हमारे माँ बाप का या और लार्जर फैमिली का, क्योंकि मेरे बाबा जो है वो एक फ्रीडम फाइटर थे, मतलब उतने एक्टिव वाले फ्रीडम फाइटर नहीं थे, मतलब उस तरह की कहानियाँ नहीं सुनते हम उनके बारे में, लेकिन और उस जमाने में इंग्लिश के ग्रेजुएट थे और
और एक मेरठ कॉलेज के जिमनास्ट थे, ऐसा उनके बारे में हम लोग सुनते हैं। बड़े ईमानदार इंसान थे, दबंग इंसान थे, तो शायद वो वैल्यू सिस्टम वहां से आया जहां पे गलत का मतलब गलत, सही का मतलब सही। आप अपने सही के लिए किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, ये कन्फर्म है। आपसे गलती हो जाए, हम लोग बहुत बार होता है ना कि हमारी इंटेंशंस खराब नहीं होती, नीयत खराब नहीं होती, बट फिर भी हमसे गलती हो जाती है, वो एक अलग चीज है। बट आप जानबूझ के किसी के साथ गलत नहीं करें। फिर बड़े होने पर ये सामाजिक काम में कैसे आने का आपका फैसला हुआ? क्योंकि जहां तक मैं जानती हूँ, आपकी एक साधारण मिडिल क्लास नौजवान की तरह आपकी भी एजुकेशन हुई, उसके बाद आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते थे, आईएएस ज्वाइन कर सकते थे, कई आपके सामने जो है कन्वेंशनल रास्ते थे, तो आप ये सामाजिक कार्य में कैसे आ गए? मैं इस काम में सामाजिक कार्य में आने के लिए नहीं आया, ये बहुत क्लैरिटी है लाइफ में, बिकॉज इन सब चीजों का कुछ नहीं पता था। बहुत सारे इंसिडेंट हुए लाइफ में जैसे, और आई थिंक मुझे लगता है वो टर्निंग पॉइंट थे जिंदगी में। जैसे 1987 में मैंने 12th किया था, और उस समय मुझे एक्टिंग का शौक था। मेरा जो सपना होता था, टू बी ऑनेस्ट, वो ये था कि मुझे स्टेज पे करना है। और अभी तो रेडियो जॉकी और बड़े बड़े शब्द होते हैं ना, उस समय रेडियो अनाउंसर बोला जाता था, और तो मुझे रेडियो अनाउंसर बनना है। और हमारे यहाँ उस समय बरेली बनबसा उस वाले इलाके में रामपुर रेडियो आता था, कुची कु भैया होते थे, तो मैं वो सब अपना फॉलो करता रहता था कि ये बनना है। फिर 87 में एक बहुत मैसिव एक्सीडेंट हो गया, जून 87 में, 3rd June 87। तो उस दिन बुधवार था, और वेडनेसडे को फ्राइडे को चित्रहार आया करता था, ठीक है। और चित्रहार मेरा जुनून था कि भाई कुछ भी हो जाए, चित्रहार वो 8 बजे वाला नहीं छूटना चाहिए, और संडे की रंगोली नहीं छूटनी चाहिए। तो हम कहीं गए थे देहरादून में, और वो बस छूट गई, मोटरसाइकिल पर लिफ्ट ली, एक्सीडेंट हो गया, 1 साल बेड पे रहा पूरा। तो उस बीच में 3 बार हॉस्पिटल एडमिट हुआ, मतलब आप सोचिए 3rd June 87 से April 88 तक बेड पे था कंटिन्यूसली, और डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि ये कभी चल नहीं पाएगा, बहुत सारे इशू हुए उस समय का। मुझे लगता है कि एक इंसिडेंट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है मेरी लाइफ का, जो वैल्यू सिस्टम है, और जो शायद आज ये जो काम हम कर रहे हैं इसमें बहुत बड़ी नींव है। और जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको पता लगता है कि ये आपका किया हुआ नहीं है, ये तो आपके माँ बाप का किया हुआ है, आपके साथ हुआ हुआ है, आपने सिर्फ उसको नर्चर किया है। तो उस समय में क्या होता था कि हॉस्पिटल में कोई 400 रुपये रिश्वत जाती थी, और मैं तो अभी भी कहता हूँ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल उससे भले हैं, कम से कम मांग तो लेते हैं, आपके बिल में तो बदमाशी नहीं करते, आपसे रिश्वत मांग लेते हैं ये लोग, जो आज आपके टिश्यू पेपर तक का पैसा नहीं छोड़ते प्राइवेट हॉस्पिटल। तो उस समय वो ठीक ही था, तो 400 रुपये वो मांग रिश्वत जाता था, और वो आपके ऑपरेशन से पहले दिन पहुंचना होता था, बड़ा एक सिस्टमिक मामला था। तो हमारे यहाँ तो कभी ये सब बातें हुई नहीं, हमारे खानदान में कभी, हमारे घर में कभी रिश्वत नाम की चीज डिस्कस नहीं हुई, डायरेक्ट डिस्कस नहीं हुआ, तो नहीं पहुंचा। अब गुस्से में थे डॉक्टर, और उन्होंने एकदम से पूछा, जब सुबह सुबह जब ये सब होना था तो उन्होंने पूछा कि भाई वो तो नहीं आया आपका, तो पापा बोले कि नहीं डॉक्टर साहब, वो तो हम नहीं कर सकते। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि आप यदि इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में आसानी से लोग रिश्वत को ना नहीं बोलते, नेगोशिएट करते हैं कि भाई 400 नहीं है, 300 ले लो, 100 बाद में पहुँचा देंगे, वो नहीं हुआ हमारे यहाँ, उनका नहीं। तो मुझे अभी तक याद है रनी जी, मतलब चीज को मैं कभी भूल नहीं पाया, जब डॉक्टर ने कहा था कि गुस्से में, क्योंकि उसने पहली बार देखा होगा किसी ने एकदम ब्लटनली मना कर दिया, तो बोलते हैं कि अच्छा ये बच्चा मर गया तो आप क्या करेंगे, सोचते हैं। और मैं तो छोटे शहर के बच्चे, वैसे ही कोई एक्सपोजर नहीं था उस समय, तो गूगल गॉड भी नहीं था, तो आपने जिंदगी में उस समय हम लोगों ने ढंग से रेडलाइट नहीं देखी थी देहरादून वगैरह में, तो छोटा खूबसूरत शहर है, तो बीती परिवार पे एक अलग तरह की बीती। बट मजेदार बात यह था कि पापा का ये कहना कि फिर वो हमारी किस्मत है, और माँ का उसको समर्थन, दोनों को, मुझे लगता है वो जिंदगी की बहुत बड़ी सीख थी, बहुत बड़ी सीख। एंड आप ये सब सुन रहे थे, ये आपके हाँ, सुनने में आपके ये तो, सामने ये बात हो रही थी, ये तो सब हुआ है, या अब इतना, क्योंकि अब बहुत पुराना हो चुका है ये चीजें, आज से 31 साल पुरानी हो चुकी है, तो
कुछ चीजें जो बाद में पता लगी आपसी बातचीत से, क्योंकि आपकी क्या उम्र थी उस समय? मैं तो 17 साल का था 87 में, तो 17 साल का था, तो बहुत सारी चीजें जब आप नहीं, पर कहानी को कंप्लीट करिए, फिर वो डॉक्टर ने ऑपरेशन किया कि नहीं? नहीं, तो वो बड़ा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा कुछ हुआ, तो उसका एक असर ये है कि मेरा आज तक एक बहुत ही डिस्टॉर्टेड पैर है, लेफ्ट फुट जो मेरा है उसमें बहुत इंजरीज है, सब उसके टोज उंगली उंगली सब मुड़ी हुई है, और मैं बहुत नॉर्मली काफ़ी पेन में रहता हूँ। एक्चुअली वो एक 24 घंटे का कॉन्स्टेंट पेन है जो अब आपका जिंदगी का हिस्सा बन गया, उसमें अब आपको कोई कंप्लेन नहीं है, तो शायद आपकी बेंचमार्किंग ऊपर हो गई है। लेकिन ये है कि मुझे बीच में जब बहुत बार बहुत पेन हो जाता है, क्योंकि ट्रैवल बहुत करता हूँ, चलता बहुत हूँ, खड़ा बहुत रहता हूँ, डिजास्टर्स में जाता हूँ, तो जब बहुत पेन हो जाता है तो मुझे याद आता है, मतलब मैं बड़ा शुक्रगुजार रहता हूँ मम्मी पापा का, दोनों का, दोनों नहीं रहे, मैं कहता हूँ यार ये बड़ी किस्मत वाली बात है, क्योंकि यदि उन्होंने रिश्वत दे दी होती, 400 रुपये दे दिए होते हैं, तो मैं रिश्वत के पैर पर खड़ा होता और आज मैं अपने पैर पर खड़ा हूँ। और दूसरा ये है रजनी जी, हमको तो मालूम नहीं था कि हम लोग लॉजिस्टिक्स का काम करेंगे, आज की डेट में जो भी गूंज का काम है वो कुल मिला के तो वो 6,000 टन 7,000 टन जो भी मटेरियल होता है वो मूव ही करते हैं ना, तो ट्रक है, सड़क है, बॉर्डर्स हैं, हर जगह तो रिश्वत है यदि आप देखें, तो हमें इस बात का फक्र है कि हमने 22 साल में कोई रिश्वत नहीं दी। और मैं बहुत मजे से टीम को ये बात बोलता हूँ, मैंने कहा यार जब हमने पैर के लिए रिश्वत नहीं दी तो ट्रक के लिए क्या देंगे? ये एक सीख बन गई बस। तो फिर वहां से सब कुछ बदला, लाइन बदली, मतलब मैं हॉस्पिटल में रहा, लिखने लगा, दिखता पहले भी था, वो जो छोटे शहरों के छोटे छोटे कवि सम्मेलन होते हैं कि एक कमरे में बैठ के 8-10 लोग कविताएं बोला करते हैं, वो मैं भी किया करता था जब मौका मिलता था, क्योंकि और तो कोई सुनने वाला था नहीं, उस कमरे में हम आपस में सुन लिया करते थे, वाह वाह कर लिया करते थे। फिर इस समय मैं लिखना शुरू करा, कुछ आर्टिकल्स पब्लिश होने शुरू हुए, ऑल्दो ये होता था कि मैं 20 भेजता था, 18 तो वो संपादक के खेत सहित सादर वापस एक चिट आती थी, उसमें मेरे में बहुत सारी पड़ी होंगी कहीं, मैंने जमा की थी, वो आ जाते थे, बट फिर भी थोड़ा बहुत प्रिंट होने लगा था। जर्नलिज्म उस समय प्रोफेशन नहीं माना जाता था ना, जर्नलिज्म कुछ एक रिस्की कुछ होता था, बट ऐसा नहीं था कि वो एक पेशा हो सकता है, एटलीस्ट हम जैसे परिवारों के लिए जो दूर थे दिल्ली से और सबसे। तो फिर पापा मम्मी गए, जब उन्हें पता लग गया कि अब ये यही करेगा, मतलब इसको तो लिखना पड़ना ही है, मैंने उनसे एक बात मांगी थी कि मुझे बस एक साल दिल्ली जाना है, क्या करना है मुझे नहीं पता, बट हाँ मुझे रेडियो का, फोटोग्राफी का, ये सब चीज़ों का शौक था। फिर IMC आया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है ना यहाँ पे, तो दिल्ली में, तो जर्नलिज्म किया, और पहली बार वो एक साल में मैंने तो 3 साल का मेरी जिंदगी बहुत अकेलेपन की थी रजनी जी, क्योंकि जब एक्सीडेंट हो गया था, और आप फिर वायलेंस की बात कर रही हैं, मैं इस पर वापस जा रहा हूँ, आप लिंप कर रहे हैं, आप लंगड़ा रहे हैं, जब मतलब एक साल के बाद जब मैंने चलना शुरू करा तो मैं लिंप करता था, मैं लंगड़ाता था, कॉलेज में क्योंकि फर्स्ट ईयर में मैं गया नहीं था तो मेरा एक भी दोस्त नहीं था, मैं बिल्कुल अकेला हो गया था सडनली, और अदरवाइज उससे पहले मैं एक पॉपुलर बच्चे की तरह था, मतलब कि अपने दोस्त होते हैं या गाना वाना गाता था तो फैमिली में भी थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इज्जत मिल जाती थी उस चीज में, तो और वो एक्सीडेंट के बाद आप बिल्कुल अकेले होते चले गए, क्योंकि कोई आपके पास नहीं आता था, मतलब लोगों को, मुझे लगता है कि जिसको आप सुपर डिसेबिलिटी बोलते हो, मैं आज उससे बहुत रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि मैंने वो एक टेम्परेरी फेज अपनी लाइफ में देखा। मुझे अभी तक याद है, मैं एक बार जा रहा था, एक रोड के एक साइड में वॉक कर रहा था, इत्तेफाक की बात है कि दूसरी साइड से एक और लड़की थी, उसको भी कोई इंजरी होगा या कोई परमानेंट इशू होगा, वो भी इसी तरह से लिम्प करके आ रही थी, एंड आई मुझे अभी तक याद है कि कैसे एक साइकिल पे चलता हुआ एक इंसान गया और जोर से बोला, देखो भाई बहन जा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आई, मतलब कोई आपकी ना कोई जान ना पहचान, सड़क पे दो अजनबी दो किनारों पे चल रहे हैं, आप सड़क के बीच में साइकिल से जा रहे हो और आप अपना एक जुमला मारते हुए निकल लिए, और हमारे लिए तो नया था ना, हम वो सब कुछ एक्सपीरियंस पूरी तरीके से
नया था और बड़ा हर्टिंग हो जाती है सब चीजें कभी कभी। आज आप थोड़ी चमड़ी मोटी हो गई है, बट कौन सी चीज आपको कब हर्ट कर जाएगी आपको पता नहीं होता ना, है तो सब इंसान के बच्चे कुल मिला के। तो फिर कॉलेज में कोई फ्रेंड नहीं, वो डीएवी कॉलेज है देहरादून का, उसमें मैं एक किनारे खड़ा रहता था थोड़े से पैसे लेके अपनी जेब में, खाने पीने का शौकीन हूँ तो सामने एक जीवन समोसे वाला है, तो वह मेरे यही वेट होते थे कि कोई मेरे साथ चले और मैं उसके साथ बैठ के समोसा खाऊं। तो जब मैं मास्कॉम में आया 3 साल के सारे झमेले के बाद, तो बहुत एक्सेप्टेंस मिली। हर हर जगह के लोग थे वहां पर, और मैं तो प्योर हिंदी भाषी था, इंग्लिश उस तरह से आती नहीं थी। उसके बाद भी पूरी एक्सेप्टेंस मिली वहां पर, बहुत दोस्त बने, मेरे एक्चुअल दोस्त अभी वहीं के हैं, उससे पहले के कॉलेज के दोस्त मुझे ऐसे कोई बहुत ज्यादा याद नहीं है। तो जर्नलिज्म किया, फिर 1 साल और लगा दिया वहां पे क्योंकि हॉस्टल की लाइफ में मजा आ रहा था, तो वहीं पे एडवर्टाइजिंग किया। उसके बाद कॉर्पोरेट में मैंने नौकरी करी। हाँ, मैंने एक एजेंसी में कॉपीराइटर से शुरुआत की, फिर पावर ग्रिड में सरकारी नौकरी करी, उसके बाद एस्कॉर्ट्स गया, 98 में छोड़ा। और तब ये सोच के कतई नहीं छोड़ा था कि कोई सामाजिक काम कर रहे हैं। ये था कि कोई एक मुद्दा, जो कपड़े का मुद्दा है, वो बहुत परेशान कर रहा था और लग रहा था कि कुछ करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ना तो इसका कोई बैकग्राउंड था और ना ये पता था कि ये कैसे होगा। ये था कि बस इसको शुरू करते। तो उस तरह से यहीं सरिता विहार में दिल्ली में, वो 98 में जून में मैंने नौकरी छोड़ी है, और जुलाई में एक तरह से इनफॉर्मली ये सब कपड़े इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये आइडिया आया कैसे आपको? गूंज का जो मूल, आपने जैसे कहा ना, लॉजिस्टिक्स का काम तो कहने की बात है, बट उसके पीछे जो भाव है, लोगों को एक किस्म से ये जोड़ता भी है, तो इसका थोड़ा और बारीकी में बताइए कि इसको ये शेप कैसे आपने दी? जो आपने, मतलब एक तो क्योंकि हम मान के चलें कि बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं वो उस भाव से परिचित नहीं है, तो थोड़ा वो भावना की बात करिए, बताइए, और फिर उसको आपने ये मतलब मटेरियल रूप ये कैसे दिया? देखिए, मेरा एक 91 में उत्तरकाशी में एक अर्थक्वेक हुआ था और मैं उस समय स्टूडेंट था, तो मैं वहाँ चला गया था और पहली बार मैंने लाइफ में एक डिजास्टर देखा, पहली बार जिंदगी में गांव देखे कुल मिला के। उससे पहले उस तरह से गांव में कभी रहा नहीं था, कुछ नहीं किया था, तो वहाँ पर बहुत सारा रिलीफ बट रहा था। तो जैसे ट्रकों में जाता था और बहुत सारे लोग तो बहुत सलीके से कर रहे थे, बहुत सारे लोग जैसे नॉर्मल रिलीफ के टाइम में आज भी गड़बड़ होती है, उस तरह से हो जाता है कि बहुत अच्छे भावना के साथ भी बहुत सारे लोग पहुंचते हैं बट सिस्टम के साथ नहीं पहुंचते। तो वो जैसे आपने लिया और आपने कपड़ा, एक लाइन लगी और आपने कपड़ा उठा के किसी को दे दिया, जूता किसी को दे दिया, तो वो अच्छा। मैं थोड़ा सा अपने कैमरा लेके घूमता था, तो ऐसे ही खड़ा हुआ देखता रहता था सब चीजें। मैंने बहुत बार देखा वो पेन, वो दर्द देखा रिसीवर के चेहरे पर, मतलब जिसको वो ऐसे उछाला हुआ स्वेटर वो पकड़ तो लेता था, पर जब वो स्वेटर को देखता था तो उसका दुख साफ झलकता था कि यार ये क्या है। ठीक है, आप गुर्बत में हैं, मुसीबत में हैं, बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ गया है, आप सड़क पे आ गए हैं क्योंकि घर खत्म हो चुका है आपका, लेकिन फिर भी आपका आत्मसम्मान तो है। एक तो ये हुआ, दूसरा एक सज्जन थे, उन्होंने एक बोरी की जैकेट पहनी हुई थी, तो उत्तराखंड में तो आलू बहुत होता है, तो उसको पैक करने के लिए वो जूट की बोरी, जो अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, वो उसका एक जैकेट उन्होंने पहना हुआ था, हाथ में उनके कोई चिट थी और जैकेट में बहुत सारे पैबंद थे, और वो बार बार मुझे वो चिट देख के बोल रहे थे, थोड़े से मतलब काफी वो लॉस्ट लग रहे थे बिकॉज उन्होंने अपने परिवार के कई सदस्यों को खो दिया था उस अर्थक्वेक में, तो बहुत बड़ा लाइफ लॉस हुआ था। तो बार बार कह रहे थे मुझे एक कंबल दे दो मैं मर जाऊंगा, मुझे गर्म कपड़ा दे दो मैं मर जाऊंगा, और मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था ऐसा, क्योंकि भाई आप ठीक है, आप एक मिडिल क्लास में पले बड़े हो बट आपको, आप तो चार दीवारी के अंदर पले बड़े हो, आपका बाहर का कोई ऐसा एक्सपोजर नहीं है, गांव पहली बार देख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और ना मेरे पास कुछ करने को था लाइफ में।
रात को जब हम तो बिना तैयारी के ऐसे ही निकल लिए थे, और वो ठंड वहां पे अक्टूबर नवंबर जब भी था बहुत बुरा हाल। तो मुझे अभी तक याद है, मैं ऐसे ही घूमता घामता, रहने की कोई जगह नहीं थी, तो एक कैंप में चला गया। कैंप भी बहुत ज्यादा नहीं होते थे। मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे हूँ और ऐसे स्टूडेंट हूँ और मैं आ गया यहाँ पे, मुझे रहना है रात को कहीं। तो उन्होंने बोला कि आप ये रहे और ये कंबलों का ढेर है, आपको जितने चाहिए ले लो, सो जाओ आराम से। तो वो मेरा पहला एक्सपोजर था। मेरा ब्रदर भी था साथ में, तो कंबल लिए बहुत सारे, बिछा दिए बहुत सारे, ओढ़ लिए। रात को तब भी बुरा हाल कि टेंट में वो खुले में है, ऐसे आदत भी नहीं है। तब मुझे, मैं उस बंदे को रिलेट करता रहा कि वो जो कह रहा था कि मुझे दे दो मैं मर जाऊंगा, वो जो ये ऐसा नहीं है कि यदि आपको 2-3 कपड़े पहना हुआ इंसान को दिख रहा है तो उसको पता है कि रात कैसे कटनी है, मुझे नहीं पता कि रात। एक तो ये हुआ। फिर उसी दौर में, मतलब मुझे लगता है ये होना होनी थी शायद कपड़े पे कुछ कहानी, तो इसलिए ये जुड़ते चले गए। था तो दिल्ली में घूम रहा था, सुबह सुबह निकल जाता था कैमरा लेके, क्योंकि खासतौर पे ओल्ड दिल्ली की तरफ एक तो खाना बड़ा अच्छा मिलता है, स्ट्रीट फूड का शौकीन हूँ तो वो बड़ा अच्छा सस्ता मिलता है, और एक स्टोरीज बहुत मिलती थी पुरानी दिल्ली में, देखने को बड़ा अच्छा मिलता था मॉन्यूमेंट्स और ये सब। तो देखा कि एक रिक्शा जा रहा है, उसमें लिखा है दिल्ली पुलिस का लावारिस, लाश उठाने वाला। तो अब ये मैंने तो दूर से, मैंने पहले पढ़ा भी नहीं था, पहले तो मैंने वो आई कामना जी बैठी थी उसमें, बाद में पता लगा रिक्शा में। तो दूर से मुझे वो दिल्ली गेट के पास बड़ा खूबसूरत सा एक चित्र दिखा, एक पिक्चर सी बनी कि फॉग है, उसमें एक ठेला जा रहा है, ठेले में एक अच्छे बहुत रंगीन कपड़ों में महिला बैठी है, तो एक अच्छा सा पिक्चर दिख रहा था मुझे। मैंने पिक्चर लिया, बट तो मुझे लगा कुछ लिखा हुआ सा है, जूम लेंस नहीं था तो सब्जेक्ट के पास दौड़े, उसमें लिखा दिल्ली पुलिस का लावारिस लाश उठाने वाला। यार ये क्या कहानी है। तो उसका पीछा किया मैंने, वो दिल्ली गेट पे जाके रुके, देखा कि हबीब भाई उतरे, आमना जी को पकड़ा। आमना जी 100% ब्लाइंड थी, तो उसके बाद दिल्ली गेट के पास, उस समय वहां बैरिकेडिंग नहीं थी, देखा एक डेड बॉडी पड़ी है यंग बंदे की, चेक की शर्ट पहनी हुई है कुछ, और कोई बहुत अच्छे कपड़े मगर ढंग के कपड़े नहीं पहने हुए। तो दोनों ने उठाया, ठेले पे डाला, कपड़ा डाला, चल निकले। और ये सब कुछ ऐसा रोबोटिक टाइप था रानी जी, कि मतलब कोई ऐसा, मेरे लिए डेड बॉडी थोड़ा इमोशन वाला मामला था, उनके लिए नहीं था। उन्होंने बस लिया, जेबें चेक करी उसके, सब जेब उसमें जो भी छुटपुट था वो निकाला। बाद में पता लगा कि संत आदमी है तो जेब से जो भी निकालता है तो बांट देता है बंदा। तो पर फिर मैंने उनके साथ में बहुत टाइम निकाला, सुबह सुबह 6-6:30 बजे फुटपाथ पे पहुंचता था उनके LNJP हॉस्पिटल के बाहर दिल्ली में, रात तक रहता था उनके साथ में। और उनका पूरा फुल टाइम जो काम था वो डेड बॉडीज उठाना था। वो दिल्ली पुलिस, उनको इनफॉर्मली हायर किया हुआ था, हर एक लाश पे उनको 20 रुपया 2 मीटर कपड़ा मिलता था फुल टाइम का। तो पहली बार जिंदगी में देखा कि माइग्रेशन होता क्या है, स्लम क्या होते हैं, लोग मरते कैसे हैं। तो अब आप जब एक हफ्ते उस इंसान के साथ में घूमोगे जिसने, जिसका काम सिर्फ लाशें उठाना है, तो आपको कटा हुआ, सुसाइड का केस, एक्सीडेंट का केस, ठंड की मौत, भूख की मौत, सब दिखती है। और आपको ये दिखती है कि डिग्निटी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। जिस इंसान के जिंदा रहने पे डिग्निटी नहीं है, उसको मौत में क्या डिग्निटी मिलेगी, कोई सम्मान का तो कोई मतलब ही नहीं है। वो एक तरह से बोझ है, एक तरह से नंबर है आपके लिए, तो कुल मिला के। और कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप उसको सीतामढ़ी में या गोरखपुर में या कहीं पे आप बता दो उसके पेरेंट्स को या उसके रिश्तेदार को या उसकी वाइफ को कि आदमी नहीं है, सच्चाई तो यही है कुल मिला के। तो जब उन पे लिखने लगा, मैं उस समय साप्ताहिक हिंदुस्तान के लिए फ्रीलांस कर रहा था कुछ कुछ, जब लिखने लगा तो हबीब भाई बोले कि साहब जाड़ों में मेरा धंधा बढ़ जाता है, कभी कभी इतना काम होता है कि संभलता नहीं। तो और खोजबीन की तो पता लगा हर एक 24 घंटे में वो 4-5 किलोमीटर के रेंज में 10 से 12 लाशें उठा रहे हैं, और गर्मियों में 4 से 5। अब स्टोरी तो हो गई, जैसे जैसे कई साल तक मैं भी सोचता रहा, मैंने कहा ठंड से लोग मरते हैं, ठंड से लोग मरते हैं, जो आपने भी सोचा होगा। फिर एक दिन रियलाइज हुआ कि नहीं, ठंड से तो नहीं मरते, क्योंकि ठंड से मरते तो मैं जिंदा कैसे रहा। मैं 60-70 की स्पीड पे स्कूटर पे जिंदा हूं और बंदा कोई वहां पे या महिला कोई बैठी भी मर गई, तो ये तो ठंड नहीं है ना, ये तो कपड़े की कमी है। मेरे पास तो कपड़े ही एडिशनल थे। एक उनकी छोटी बेटी थी, अब नहीं रही वो, बानो करके, उसने ये कहा था, 5-6 साल की बच्ची थी, उसने कहा था कि जब मुझे ठंड लगती है तो
तो मैं लाश के साथ चिपक कर सो जाता। बड़ी डॉक्यूमेंटेड स्टोरी है उस समय की। वो कहती है कि लाश तंग नहीं करती, लाश करवट नहीं बदलती। तो मैं बहुत साल तक अविश्वास में रहा, मेरी अपनी अर्बन नॉलेज और एरोगेंस थी शायद, क्योंकि मेरा को तो यही सिखाया गया था कि डेड बॉडी ठंडी होती है। मैं तो कंपल्शन समझ ही नहीं रहा था, किस मजबूरी में ये नहीं समझ रहा था। दूसरा, मैं तो अपने को देख रहा था, मैं तो उस बच्चे की परिस्थितियों को नहीं देख रहा था। मेरे लिए ठंड के मायने और उसके लिए ठंड के मायने बिल्कुल अलग हो सकते हैं। वो जो कहती है कि लाश तंग नहीं करती, लाश करवट नहीं बदलती, ये दुनिया के करोड़ों लोगों की कहानी है, जहां पे 5 से 6 लोगों का परिवार एक कंबल के अंदर सोता है अपने को गर्म रखने के लिए। ये उन करोड़ों लोगों की कहानी है, हजारों लोगों की कहानी है जो आज भी गड्ढा करके सोते हैं। बहुत सारे हैं जो पुआल में घुस के सोते हैं, गड्ढा बनाते हैं, उसमें पुआल डालते हैं, बच्चों को सुलाते हैं, फिर ढक देते हैं। ये तो बड़ी कॉमन कहानी है ना। क्योंकि यदि आप ये कहते हैं कि आधी दुनिया को खाना नहीं मिलता, तो आपके हिसाब से ये हंगर की प्रॉब्लम है ना। आपने एक इंडेक्स ले लिया उसका, तो जिसको खाना नहीं मिल रहा उसको क्या एजुकेशन मिल रही है, पानी मिल रहा है, रहने की जगह मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है, बट हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि हमने एक बहुत पावरफुल इंडेक्स देख लिया और अब हम खाना बांटेंगे, हम हंगर की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ऐसा हमको लगता है, बट और बहुत कुछ छिपा हुआ है। तो बस ये कपड़ा जो है वहां से कुछ कुछ शुरू हुआ और ये इस स्थिति में चला गया रणी जी कि मतलब मुझे अभी बहुत याद कर करके हंसी आती है, बट क्योंकि वो आज भी बरकरार है कि यदि मैं किसी को उसके बाद बड़ा कपड़ा पहने हुए भी देखता था, ओवर साइज भी देखता था, तो मेरा ध्यान जाता था। हमें ये भी आइडिया नहीं था कि कोई एनजीओ होता है या मतलब एनजीओ बनाना है। उसका सबूत यह है कि मतलब 99 में कहीं जाके रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब आपको 20 साल से ज्यादा हो गए, अगर हम खाली गूंज के शुरू होने के बाद की बात करें तो भी 20 साल से ज्यादा आप बिल्कुल जमीन से लग के काम कर रहे हैं। तो इस दौरान इन 20 सालों में हमारे समाज में जो हिंसा और अहिंसा का जो तालमेल है, मतलब हिंसा की रियलिटी और अहिंसा का प्रयास कहिए या उसकी कोशिश, उसके सब हालात के बावजूद उसका कायम रहना, इस पे आपने क्या देखा? इसकी आप, I'm sure कि आप कई कहानियां इस पे सुना सकते हैं। What is this dynamic? डायनेमिक देखिए बहुत सिंपल है, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि एक बहुत बड़ा जो समाज है वो एक अलग तरीके से रहना चाहता है। वो खुद बट के नहीं रहना चाहता। ये कुछ लोगों की करामात है, करतूत है कि हम वो हरकतें करते रहते हैं कि जिससे लोग बटते रहे, लेकिन ये कुछ लोगों की हरकतें हैं। जो आम समाज है वो नहीं होता। और इसका बहुत सारे अभी आपको हाल फिलहाल में सबूत मिले हैं। जब आप यहाँ बैठ के, हम लोग बहुत बात करते हैं ना कि गांव में ये है, गांव में वो है, सब खासतौर पे गांव की जनता, 70% जनता तो वही है। और मैं तो कह रहा हूँ जो स्लम की जनता है वो भी तो गांव की जनता है। लोग ऐसा कहते हैं कि स्लम सिटी का एक्सटेंशन है, हम तो कहते हैं नहीं है सिटी का एक्सटेंशन, क्योंकि सिटी का एक्सटेंशन होता तो मेरे और आपके जैसे लोग जाके रहते ना। तो जो स्लम है उसमें सिटी का कल्चर एकदम से नहीं जाता। जब हम गांव के लोगों का ध्यान नहीं रखते, वो फोर्स्ड है यहाँ आने के लिए, तो स्लम सिटी गांव का एक्सटेंशन है। तो वो जो 70-80% जनता है, उसने तो पिछले पास्ट में और प्रेजेंट में बहुत सारे सबूत दिए कि वो मिलके रह सकते हैं, मिलके चल सकते हैं। आप कहते हैं गांव में सबके टॉयलेट की जगह अलग अलग होती है, बट जो वो नासिक से बॉम्बे आते हैं वो हजारों किसान, उसमें अपर कास्ट भी है सो कॉल्ड, उसमें लोअर कास्ट भी है सो कॉल्ड, उसमें रिच फार्मर भी है, उसमें पुअर फार्मर भी है, उसमें लैंडलेस भी है, फार्म लेबर भी है, महिला भी है, पुरुष भी है, और वो सब लोग साथ चल रहे हैं। तो ये तो समाज का ये दिखाता है ना कि कोई एक चीज है जो अभी भी एज इट इज बरकरार है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल खत्म हो गया। हमारे लेंसेज डिस्टॉर्टेड हो गए हैं तो हम जाके ये सब बातें करते हैं, हमें लगता है, क्योंकि हमारी वही पॉलिटिक्स है, हमारे वही तौर तरीके हैं, हमारी अपनी जो पढ़े लिखे होने की जो सत्ता है, जो पैसे की सत्ता है, जो सत्ता की सत्ता है, वो बनी रहती है।
जब हम वहां पे ऊपर नीचे करते रहते हैं कुल मिला के। बट वरना तो इस समाज ने तो बहुत एग्जाम्पल दिए हैं और दे रहा है। मतलब आज हमारे साथ जो गूंज का जो काम है, यदि मैं सिर्फ इस बारे में बात करूं 2 मिनट, तो जब हम तालाब साफ करते हैं बहुत बड़े तौर पर लोगों को, मतलब हमारा तो कपड़े का कपड़ा बाकी सामान जो 6,000 टन है वो तो हमारे लिए तो एक समाज के लिए एक अलग तरह का एक टूल है, जिसमें हम समाज को बहुत अलग लेवल पे साथ में ला रहे हैं, अपनी चीजों के लिए जिम्मेदार बना रहे हैं। वो अपनी सड़कें खुद बनाते हैं, तालाब खुद खोदते हैं, फिर ये सब सामान उनको रिवॉर्ड की तरह से जाता है। मतलब एक चैरिटी की तरह नहीं, हमने चैरिटी बिल्कुल खत्म कर दी है इस पूरे काम में यदि आप देखें तो। जब वो तालाब साफ होता है, जब वो सड़कें बनती हैं, तो उसमें तो सब कम्युनिटीज के लोग लगे होते हैं। उसमें जिसको भी अपने कास्ट कम्युनिटी धन पर गुमान होता है, गर्व होता है, वो नहीं आता। यदि उसको लगता है कि वही उसके लिए इम्पोर्टेंट है और गांव की सड़क उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, गांव का तालाब उसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो गिने चुने लोग नहीं आते। बट बाकी तो सब लोग जुड़े होते हैं वहां पर, सब लोग साथ मिलकर काम करते हैं। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी भी वो जो फैब्रिक है, वो बातें हैं, वो वही की वही है, और वो ज्यादा है। सच ये है कि हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, हमें उसी को बढ़ाना चाहिए। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम अक्सर ये निकालते हैं कि नेगेटिव क्या है और फिर उसको सॉल्व करने के चक्कर में लगते हैं, बजाय इसके कि आप ये कहो कि भाई पॉजिटिव है ना, ये इसको भी तो स्केल अप किया जा सकता है। यदि आप जो पॉजिटिव हो रहा है उसको आप बढ़ा देते हैं, तो जो नेगेटिव है वो तो और छोटा हो जाएगा, अपने आप ही छोटा हो जाएगा। तो ये हिंसा का जो फिजिकल वायलेंस, शारीरिक हिंसा जो है, वो इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। और ये एक मानव जाति की विडंबना है कि जब किसी की हत्या होती है तो वो तो बड़ा एक ब्लैक एंड व्हाइट, एक काला और सफेद जैसा दृश्य बनता है, उस पे हम सबकी प्रतिक्रिया होती है। लेकिन जो बाकी समान समय में, मतलब समान जन जो एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, उसकी खबर नहीं बनती। तो एक तो यह है कि भाई हत्या ही खबर बनती है, और हम सब प्रेम से मिलकर रह रहे हैं, वो खबर नहीं बनती। तो इसको देखते हुए आपने क्या कुछ ऐसे लक्षण देखे हैं, और अभी तो आपने बताया ना लोगों के मिलके काम करने की, जिसमें हमें ये दिखे कि कैसे हम अगर पहचानने को जाएं तो अहिंसा का यतन, उसका प्रयास, उसकी एक किस्म से स्वाभाविक सहज लिविंग ऑफ इट। पूरे समाज में शारीरिक हिंसा ही बढ़ रही है कि अभी भी आपको अहिंसा के लक्षण दिखते हैं तो वो क्या रूप लेते हैं? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि शारीरिक हिंसा नहीं बढ़ रही है, वो तो हमारे सामने सामने दिख रहा है। मतलब मैं यदि अपने बचपन से लेके अब तक देखूंगा, मैंने इन सब चीजों को और बुरा होते हुए ही देखा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, वो एक पार्ट है। पर उसके साथ साथ मैं अच्छा हो रहा है ऐसा भी, इसकी भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि एक आम जो इंसान होता है वो शांति रखना चाहता है। मतलब यदि मैं आज आपसे पूछूं कि 70% जो गाँव की जनता है, मैं दोबारा गाँव पे जा रहा हूँ, शहर के भी वही हाल है, या जो एक एक सोसाइटी में एक फ्लैट में रह रहा है, उसको उसको अल्टीमेटली क्या चाहिए, वो क्या मांगता है? एक अच्छी आबो हवा मांगता है, पानी हो थोड़ा, यदि दोबारा मैं गाँव पे जाऊँ तो उसके तो वो तो इंसान के इतने बड़े एस्पिरेशंस भी नहीं है। यदि उसको 2 वक्त की रोटी मिल जाए और उसका बच्चा पढ़ लिख जाए, तो पानी के भी, साफ पानी की डेफिनेशन बदली हुई है वहाँ, तो जो पानी मिले उसको साफ मान के पी लेते हैं वो लोग, इतने संतोषी किस्म के लोग हैं अब। और वो दाता लोग हैं, क्योंकि वही वही हमारे लिए चावल उगा रहे हैं, वही हमारे लिए यहाँ पे आके वो हमारे घर बनाते हैं, उसके बाद भी मांगते कुछ नहीं, आप ये सोचिए। तो मैं तो अभी जो एक एक बड़ा एक एक और एक काम अभी शुरू किया है, वो मेरा बहुत साल से कीड़ा था, तो इस साल से उसको शुरू किया, अभी उड़ीसा उसी सिलसिले में था मैं, वो उसका नाम है ग्राम स्वाभिमान। कि आपकी जो सबसे बड़ा एसेट है वो तो आपका स्वाभिमान है, आप तो हमारे पास नहीं आए कुछ मांगने के लिए। आप चावल उगाते हो, आपको चावल का भरपूर रेट नहीं मिलता, फिर भी हम जैसे लोग जब जाते हैं तो आप हमको खिलाते हो। आपका खुद का भी तजुर्बा होगा, हमारा तो बहुत तजुर्बा है, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर आपको खाना ऑफर नहीं होगा,
वो कितना भी फाइनेंशियली गरीब इंसान हो वहां पर बैठा, वो एक बाल्टी में उड़ीसा में जाएंगे तो वो मीठी दही लाएगा ही लाएगा, बहुत सारे इलाकों में, कहीं पे चिवड़ा खिलाएगा, कहीं जो 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 वहां हो सकता है, जो उस घर के लोगों ने कभी आसपास से गुलाब जामुन नहीं खरीदा होगा, बट आपके लिए वो गुलाब जामुन लेके आता है, और आप कुछ लेके तो नहीं जा रहे हैं उसके लिए, आप तो सिर्फ मिलने के लिए जा रहे हैं, आप किसी प्रोग्राम के तहत नहीं जा रहे हैं। तो वो खूबसूरती आज भी ऐसी की ऐसी जिंदा है, आज भी जो भी हो त्योहार लोग साथ मना रहे हैं, नाचते गाते भजन कीर्तन जो भी जिसका जो भी तरीके हैं वो सब लोग साथ कर रहे हैं, और मैं कहता हूं कि हमें इसी चीज पे बिल्ड करना चाहिए, वो शालीनता वो खूबसूरती वो शांति वो हर एक इंसान को चाहिए। ठीक है उसमें कुछ केस होते हैं जो बीच में आते हैं कि किसी ने कास्ट कम्युनिटी के नाम पर एक दूसरे को मार दिया, यू नो ये जिहाद वो सब होता है, वो भी समाज की सच्चाइयां हैं, बट फिर भी मैं मान के चलता हूं कि वो इतना सा है, खबर में इतना होता है, बट उसका जो दूसरा पक्ष है वो अभी बहुत मजबूत है और वो मजबूत रहना चाहिए, और वो मेरे और आपके जैसे लोगों का एक कोशिश होनी चाहिए कि वो और मजबूत हो, मतलब हमारे जैसे जितने भी लोग थोड़ा सा लार्ज स्केल काम कर पा रहे हैं तो वो उन गिने चुने लोगों की वजह से नहीं कर रहे जो गंद मचा रहे हैं, ये समझिए ना, हम उन लोगों की वजह से, उन हजारों लाखों लोगों की वजह से कर पा रहे हैं जो हम जैसे अजनबियों को अपने दिलों में अपने गाँव में अपने घरों में जगह देते हैं, अपनी जिंदगी खोल के हमारे सामने रख देते हैं, हम आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते, कितनी गंभीर बात हो जाए, वो इंसान आपको अपना सब कुछ खोल के रख देता है, वो बताता है अपने बारे में, बताता है अपने परिवार के बारे में, बताता है अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में, बताता है अपने सपनों के बारे में, बताता है, हम भाई बहन आपस में बातें नहीं करते कई बार, बट वो कर रहा है, तो बहुत कुछ बचा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ खत्म होने वाला है या हो गया है। हाँ यह है कि यदि पॉजिटिव लोगों ने थोड़े अपने एफर्ट्स को नहीं बढ़ाया और नहीं निकले, लोगों के साथ नहीं बैठे, बातचीत नहीं करी, तो नेगेटिव जीतेगा, वो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये पिछला 1.5 साल बहुत उम्मीदजनक रहा है। आप शुरू करिए, जो NTCAA प्रोटेस्ट शुरू हुए 19 की मतलब आखिरी महीनों में, कैसे नौजवान उनमें निकल कर आए, देश भर में हुआ, बड़े बड़ी संख्या में जो नौजवान वैसे कोई राजनीति या एक्टिविज्म में नहीं जुड़ते उनको हमने मैदानों में इकट्ठे होते हुए देखा। फिर इमिग्रेंट्स, ये हमारे जब माइग्रेंट वर्कर्स का संकट आया तो उस समय भी देखा कि कितने नौजवानों के ग्रुप, स्टूडेंट ग्रुप, कॉलेज के स्टूडेंट्स के ग्रुप जो हैं वो दिन रात मेहनत करके रिलीफ का काम करने लगे, और कई किस्म की उन्होंने मेहनत की, और आज हम उस किस्म का जो है एक इन्वॉल्वमेंट ये किसानों के प्रोटेस्ट में भी देख रहे हैं। अब इनके भीतर मैं नहीं जानती कि कितना कुछ उनको लगता है कि अहिंसा का रास्ता ही हमें आगे ले जाएगा, और कितनों, और हिंसा के बारे में क्या विचार बनना है मैं नहीं जानती, पर अगर आपकी इसमें कोई मतलब, क्योंकि आप बहुत इन सब प्रक्रियाओं के बीच में रहे, तो क्या आपको लगता है कि अहिंसा को नौजवान लोग एक टैक्टिकली ले रहे हैं कि भैया इस अहिंसा करने से सत्ता हम पे कम हावी होगी, एक खाली वो प्रैक्टिकलिटी की बात है कि कोई आपको यहाँ अहिंसा के प्रति कोई असूल जो है वो उभरता हुआ भी दिख रहा है? देखिए समझदार यूथ जो है वो हथियार नहीं उठाता, समझदार यूथ एक प्रोसेस का हिस्सा बनता है जो हमने पिछले बहुत साल में लगातार देख रहे हैं, और ये मुद्दा सिर्फ यूथ तक सीमित नहीं है। यदि हम आपको पूरा जो कोविड वाला जो रेस्पॉन्स था लोगों का, खासतौर पे माइग्रेंट्स के साथ में, तो वो तो मुझे लगता है कि इस देश की जनता ने ये साबित किया है कि आम जनता आज भी कितनी कंसर्न है, मतलब तो हर उम्र के लोगों ने इतने बड़े रिस्क के बावजूद जब बड़े बड़े
बहुत सारे लीडर्स या इवन मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग भी शायद निकल के नहीं आए होंगे इनिशियल फेज में। उस समय से इस देश की आम जनता अपने घरों के बाहर जा जा के खाना बांट रही थी, खाना बना रही थी, जिससे जो पड़ा उसने किया। मैं आज भी ये मानता हूँ कि उसमें भी जिस लेवल पे लोगों को, नंबर ऑफ लोगों को करना चाहिए था वो नहीं किया, वरना वो इतना बड़ा क्राइसिस नहीं पैदा होता। फिर भी बहुत सारे लोग अपने घरों में बैठे हुए थे या अपने चाइना इंडिया डिस्कस कर रहे थे उस समय में, वो सब चल रहा था तामझाम, बजाय इसके कि बाहर जाके आप उस समय हाथ बढ़ाते। मतलब जिस भी अहिंसा अहिंसा की यदि आप बात करेंगे तो मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ कि किस तरीके से जिन लोगों की वजह से हमारे परिवार पलते हैं बढ़ते हैं, जो हमारे हाउस हेल्प होते हैं, हमारे ड्राइवर होते हैं, जिनकी वजह से मेरे और आपके जैसे लोग वेबिनार कर पा रहे थे, हमने उन लोगों को अपने घरों से निकाल दिया उस समय में। जबकि मैं तो लोगों से कहता हूँ कि भाई खतरा किसको था, तुमको, तुम्हारी जो फुल टाइम हाउसमेट है, हाउस हेल्प है, तुमको उससे खतरा था कि उसको तुमसे खतरा था? तुम बाहर जाते थे, वो तो घर पे थी। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा किया, बहुत सारे लोगों ने बहुत बुरा किया, बट फिर मैं वापस उसी पे जा रहा हूँ कि लेट अस उसकी बात करते हैं जो अच्छा किया, जो बहुत कुछ दिखा और उसका बहुत स्कोप नजर आया। एक ही फर्क है इसमें, जो मैं अक्सर बोलता हूँ कि अच्छा करने के लिए आपको किसी इवेंट या इंसिडेंट की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कोई घटना दुर्घटना पे ही आप अच्छा करें, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा जो भी करना है या जो भी एक अहिंसा का मार्ग आपने लेना है, जिसको खास तौर पे जब आपकी जुबान सही रहे, क्योंकि इस समय तो मुझे लगता है कि जो हिंसा का सबसे बड़ा रूप इस देश में और इस दुनिया में है वो आपकी जुबान है, आपके हाथ नहीं है। और यदि आपकी जुबान गंदी होती चली जाएगी तो वो कभी ना कभी आपके एक्ट में आएगा, क्योंकि एक जुबान से तो आपके वही निकल रहा है जो आपके थॉट में है, जो आपके यहाँ पलता बढ़ता जा रहा है वो जुबान से निकल रहा है, वही फिर हाथ से निकलता है। यदि आप अपने अंदर नफरत नहीं पैदा होने देते तो वो जुबान से या हाथ से कैसे निकलेगा? तो जुबान बहुत बड़ी चीज है। आप किसके लिए क्या बोलते चले जा रहे हैं, क्या नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, क्यों किसी के लिए गलत बोल रहे हैं, कोई भी बहाना बना के। या आज यदि हम किसी भी धर्म के लिए आपस में एक दूसरे से जो भी हम बातें कर रहे हैं, हम ये नहीं समझ रहे कि हमारे बच्चे वही चीज समझ रहे हैं। हम चाह के भी अपने बच्चों के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। वो जो मैंने अभी कहा ना कि जब आप डाइनिंग टेबल से उठते हैं और ये कहते हुए उठते हैं कि ये रख दो, ये एक्स वाई जेड खा लेगी, तो जो 4 साल के बच्चे ने जिसने ये सुना आपसे और आपसे लगातार सुना, उसको दोबारा कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। वो उसके वक्त के साथ ही सीख रहा है कि यही नॉर्मल है, ऐसे ही होता है, क्योंकि क्योंकि वो ये होता हुआ देख रहा है। तो यदि हम आज उन खबरों को डिस्कस कर रहे हैं या उन चैनल्स पे को देख रहे हैं, तो सच बात यह है कि हम अपने बच्चों पर वो सारी गलत चीजें थोप रहे हैं। कल यदि वो बच्चा हिंसा करता है, जुबान से करता है कि हाथ से करता है, तो उसका दोष हमारा है, उस बच्चे का दोष नहीं है। वो तो पिछले बल्कि साल भर में तो वो घर में घुस गया है, बिल्कुल आप ही की बातें सुन रहा है। पहले कम से कम वो बाहर जाता था, कुछ और चीजें करता था। तो ये जो हमारी जनरेशन है इस समय, मतलब जो 35-40-50 वाली जो जनरेशन है, उसका मुझे लगता है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो क्या कह रही है, वो क्या देख रही है, वो क्या बातें कर रही है इस समाज को आगे बनाने के लिए। हम लोगों का बहुत बड़ा रोल है। तो एक इन क्लोजिंग, आप नौजवानों को क्या राय देंगे, आपके अनुभव से उभरती हुई जो आज इस समाज में या इस दुनिया में भी, पूरी दुनिया की हम बात भी कर सोच सकते हैं कि भाई जो रचनात्मक तरह से जो नौजवान आने वाली दुनिया बनाने में लगना चाहता है, वो बहुत सीमित रूप से अहिंसा से पे आधारित नहीं, एक व्यापक ढंग से अगर हम अहिंसा को देखें जिसमें क्लाइमेट चेंज, स्ट्रक्चरल वायलेंस, ये सब कुछ आता है, तो आपके अपने अनुभव से क्या कुछ आप उनको ऐसे कुछ टिप्स देंगे जिसमें वो अपनी इनर स्ट्रेंथ बना सकें और उनको उनका मार्ग जो है वो उजागर हो? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप इस पीढ़ी को गूगल से थोड़ा दूर होना पड़ेगा। वो बहुत बड़ी इशू है, क्योंकि
आपको ऐसा लगता है कि गूगल पे कुछ टाइप करके आपको आपने लिखा डिस्टर्स फार्मर, ये मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूँ, सेम एग्जांपल देता हूँ कि जब आप फार्मर्स इन डिस्ट्रेस और डिस्ट्रेस फार्मर लिखते हैं तो गूगल तो आपको 1000 आर्टिकल डिस्ट्रेस फार्मर का दे देता है, वो स्किल्ड फार्मर का नहीं देता। तो आपका जो लेंस है वो ही गलत है, आप गलत चीज पढ़ रहे हो और आप उसको प्रैक्टिकली जाके एक्सपीरियंस नहीं कर रहे। तो यदि यूथ को इस देश के निर्माण में, दुनिया के निर्माण में कुछ करना है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि अपने लेंसेस को एक कोने में डाल के सबसे पहले जाके वहां कुछ समय बिताना है देखने के लिए कि ये कितना खूबसूरत देश है और इसके लोग कितने खूबसूरत हैं और कितनी मोहब्बत से रहना चाहते हैं और रह रहे हैं। और बहुत सारे आए हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं, ऐसा नहीं है ऊपर नीचे सब कुछ हुआ है, बट उसके बाद भी इस देश की लोगों की मोहब्बत, उनका लहजा, उनकी तहजीब बनी रही है, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो हम तो इसको रोज महसूस करते हैं। आज हम लोग कोई 1000 लोग साथ बैठ के काम करते हैं, साथ खाते हैं, साथ रहते हैं, ठीक है आपसे मतभेद होंगे, ऐसा नहीं है कि मतभेद नहीं है, बट ये नहीं है कि हर जगह मनभेद हो। मतभेद लॉजिकल है, मेरा और आप में भी हो सकता है किसी भी चीज, बट वो हर मतभेद मनभेद में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यूथ को जो सबसे पहले तो यह है कि इस देश को जानना बहुत जरूरी है कि यह देश है क्या, इसमें कितनी डाइवर्सिटी है, इसमें कितने अलग अलग कल्चर्स हैं, इसमें हर मतलब साउथ में आप जाइए वो पूरे 4-5 स्टेट में है, सबके बॉर्डर टच करते हैं, सब सांबर खाते हैं लगभग, हर जगह सांबर का टेस्ट अलग है, जबकि सांबर के ऑलमोस्ट इंग्रेडिएंट्स जो उसमें डाल रहे हैं वो भी लगभग सेम है, हर स्टेट का अपना चावल है। तो ये अपने आप में खूबसूरती है, इस खूबसूरती को बनाए रखना और इस खूबसूरती की इज्जत करना बहुत जरूरी है। खाली डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी बोल बोल के काम नहीं चलता, उससे हम लोग क्या सीखते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने अपने बचपन में वही सीखा ना कि हमारे लिए अच्छा कपड़ा बुरा कपड़ा, रिच पुअर, वो कौन सा बैग लेके आता है, ये सबके कोई मायने नहीं थे। हम किसी बच्चे को उसके बैग के हिसाब से नहीं समझते थे या वाटर बॉटल से नहीं समझते थे कि ये किस फैमिली से आ रहा है, हमारे हमारे उसमें तहजीब में हमारे बातचीत में था ही नहीं, क्योंकि एक ही स्कूल था उसमें ही सबको पढ़ना है। तो पहला तो गूगल से बाहर आइए और फील्ड में जाइए, और फील्ड में जब जाते हैं तो अपने लेंसेज को, अपनी IIT IIM या IMC की नॉलेज को एक जगह गड्ढे में डाल के जाइए, क्योंकि आप जब कोई आपके गांव के लोग ये कहते हैं कि हम बता सकते हैं पानी कहाँ है कुआं खोदने के लिए, आप कहते हैं कैसे, वो नारियल लेके आ जाते हैं और आपको बड़ा गुस्सा आता है, आपको लगता है यार ये फिर ये सुपरस्टिशन, नारियल घुमा के कैसे पानी बता देगा। तो किसी का जो बिलीफ है वो आपके लिए सुपरस्टिशन है, क्योंकि आपको तो ये समझ नहीं आ रहा कि 20 साल पहले तो मशीनें नहीं थी बट हर गांव में कुआं था, तो किसी की तो विजडम थी, किसी का तो ज्ञान था, किसी की कैलकुलेशन थी। अब जिस चीज को साइंस प्रूव ना कर पाए वो अनसाइंटिफिक थोड़ी है, साइंस अपना टाइम लेगी, 20 साल बाद प्रूव हो जाएगा, निकाल लाइएगा चांद में आदमी इंसान। तो आप उस विजडम की कद्र करते हैं क्या, आप जो जो चारों ओर जो विजडम बनी पड़ी है जिसकी वजह से इतने गांव या शहर बसते हैं, जो बांस के इतने बड़े बड़े पुल बनते हैं, वो किसी की विजडम है? विजडम आपको सिर्फ IIT IIM से नहीं मिलती, वो जो मधुबनी की पेंटिंग कर लेती है महिलाएं नेचुरल कलर से पत्ते हल्दी मिला के, और आपको क्या लगता है कि सिर्फ NIFT में आके डिजाइन हो सकता है, वो तो बिना औजार के परफेक्ट गोला बना देती है, तो वो विजडम है। तो बहुत जरूरी है इस देश के यूथ के लिए कि वो उन 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 चीजों की कद्र करे, उनको उनकी इज्जत दे, उनको आर्टिस्ट बोले। एक ऐसा देश जो 100-200 किस्म के चावल खोजने वालों को अनस्किल्ड बोलता है फार्मिंग को, आज भी जो 2 आम की कलम मिला के तीसरा आम निकाल देता है उसको अनस्किल्ड बोलता है, और उसको एक हफ्ते के लिए यहाँ बुला के इलेक्ट्रिशियन बना के स्किल्ड बोलना शुरू कर देता है। तो ये तो इस देश को दोबारा से समझना होगा, देखना होगा, और उसमें यूथ का सबसे बड़ा रोल है। और लास्ट पॉइंट यूथ के लिए ये है कि देखिए, मुझे ऐसा लगता है, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कि इस समय कुछ समय के लिए इस देश को सिर्फ थिंकर्स की जरूरत नहीं है,
इस देश को डूअर्स की जरूरत है, इस देश को एक्शन की जरूरत है, क्योंकि हम सब लोग एक और खूबसूरत, साफ सुथरे, अच्छे भाईचारे वाले देश में रहना चाहते हैं, जहां पर अखबार भी इस बात के लिए फोर्स हो कि वो कुछ अच्छा भी छापे, सिर्फ रेप मर्डर और इन सब की खबरों को ना छापते चले जाए। ठीक है, वो हमारे एक विजिटिंग फैकल्टी थे, मुझे कभी मैं भूलूंगा नहीं उनको, वो कह के गए थे, बोले देखिए ऐसा होता है मीडिया में, यदि कुत्ता इंसान को काटे तो खबर नहीं है, लेकिन इंसान कुत्ते को काटे तो खबर है। मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा यदि इस थॉट प्रोसेस से आप चलेंगे तो क्या क्या अखबार निकालेंगे और क्या मीडिया चलाएंगे। बट ये हमें मास्कॉम के स्टूडेंट की तरह एक फैकल्टी बता गए थे उस समय, आज से 30 साल पहले। बट ये सब बदलना है ना, ये तो, क्योंकि जो भी हम लोगों को बिल्ड करना है वो तो अच्छे पे ही बिल्ड करना है, वो तो बुरे पे तो बिल्ड करना नहीं है। और उसका मार्ग जो है वो, मतलब जो आप हिंसा और अहिंसा की बात कर रहे हैं, बिल्ड करने के लिए तो हिंसा इन एनी केस किसी काम की नहीं है। हिंसा से कौन सी चीज बिल्ड होती है? हिंसा तो टूल ही नहीं है ना उसका, किसी भी तरह की हिंसा, चाहे वो बातों की हिंसा हो, थॉट की हिंसा हो, हाथ की हिंसा हो, हिंसा के तो बहुत रूप है। किसी भी चीज को बिल्ड करने के लिए तो हिंसा टूल हो ही नहीं सकती, और ना हुई है आज तक। बिगाड़ने के लिए होती है, अब वो फिर आपका मकसद है कि आप बनाना चाहते हैं कि बिगाड़ना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ब्लेस यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।